मतलब ऐसा है कि भाई सपने पाल के रखो बट उसको पूरे करने के लिए भी ना जान लगा दो यार। ओ हो, बाकी सब तो ठीक है बट लोग बहुत अजीब टाइप के हैं यार। गाड़ी बाइक आ रहे होते हैं, अचानक से ना रास्ता क्रॉस कर देते हैं, और इस बाइक में ना अभी एक खास प्रॉब्लम आ रही है। पहाड़ के बगल से, जंगलों के बीचों बीच से, प्यारे से रास्ते से होते हुए हम बढ़ रहे हैं धूबरी की तरफ। पसीने से भीग गया था ना, तो यही सीन। बाकी रात को नींद बहुत ही अच्छी आई, सो करके मैं बहुत लेटली उठा हूँ, करीब 7:30-8 बजे के आसपास, और अभी 10 बजने वाले हैं, बहुत लेटली निकल रहा हूँ, पता नहीं यार कब तक पहुंचूंगा। बाकी चलो यार सीधा सामान वामान बांधते हैं और निकल पड़ते हैं, मिलते हैं आपसे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में। देखते बीच रास्ते में कहीं खाने का मस्त सुविधा मिला, स्ट्रीट साइड के जो भी रेस्टो वगैरह होते हैं ना, जिनके यहाँ ना फ्रिज नहीं होता, उनके वहाँ जाकर के खाना खाएंगे, क्योंकि भाई फ्रेश मिलता है। जिनके यहाँ फ्रिज रखा होता है तो भाई इनकी कोई गारंटी नहीं कि रात का खाना भी खिला दें। बाकी चलो यार ज़्यादा बातें शादी नहीं करते, सीधा मिलते हैं आपसे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। चलो पहन लेते ग्लव और निकलते हैं दूध नोई से। वैसे इस जगह में मैं पूरा रात को पहुंचा, और आते हुए उस साइड से ना मुझे मस्त मस्त पहाड़े दिख रहे थे, यहाँ से भी हल्का हल्का दिख रहा पीछे बैकग्राउंड में, बट बहुत कम। बट ये जैसे मैं सोएगांव क्रॉस हुआ ना, सोएगांव क्रॉस करने के बाद से मैंने पहाड़ देखे भाई, एंड तक देखा। जब तक भाई अंधेरा नहीं होना तब तक पहाड़ ही दिख रहे थे, अंधेरा होने के बाद फिर फॉरेस्ट का एक लंबा सा स्ट्रेच आया, और क्या बताऊँ यार उसके बाद तो फिर छूट ही गया जगह। ओके, कुछ रह तो नहीं गया। चलो जी दूधनोई से निकलते हैं। तो यही है भैया दूधनोई टाउन, देख लो एक छोटा सा टाउन है। तो आज का जो सफ़र है ना ये भी काफ़ी लंबा सफ़र है, मतलब छोटा मोटा सफ़र नहीं भाई। कल जितना हमने बाइक चलाया था लगभग उतना ही आज भी हम बाइक चलाने वाले हैं। ओ भाई पहाड़े देखो भाई, ओ दूर दूर पहाड़े दिख रहे हैं, उधर भी पहाड़े दिख रहे हैं हल्के से। मतलब आप जैसे अपने प्लेस छोड़ करके दूसरे प्लेस में आते हो ना, वहाँ की जो ब्यूटी होती है वो आपको फिर बहुत अलग दिखने लगती है, अच्छी लगने लगती है। हालांकि हमारे वहाँ भी पहाड़ हैं बट हमारे वहाँ पहाड़ देख कर पता नहीं यार मैं बोर हो गया हूँ। यहाँ के भाई सीन नजर आ रहे हैं भाई सही टाइप के, कसम से भाई बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और यहाँ ना छोटे बड़े बहुत टाइप के फैक्ट्रीज हैं, मार्बल्स के जो फैक्ट्रीज वगैरह है ना उन्होंने बहुत देखे, पानी के फैक्ट्रीज देखे, ईंट बन रहे फैक्ट्री, ऑयल रिफाइनरी काइंड ऑफ वैसा टाइप का फैक्ट्री देखा, सीमेंट के फैक्ट्रीज देखे भाई। मतलब लोअर आसाम में भाई फैक्ट्रीज बहुत है यार, ये तो माननी पड़ेगी, ये तो कहना भी पड़ेगा भाई। वेल रास्ता ऐसे ही मिलने वाला है आगे तक, एक जगह आएगा सोलमारी या फिर ऐसा कुछ, वहाँ से शायद 4 लेन मिल सकता है ऐसा मैंने गूगल मैप पे देखा था। अब कितना सच है कितना झूठ है वो तो आगे जाते हुए पता चलेगा, बट तब तक रास्ता हमें ऐसे ही मिलने वाला है। और एक बात तो कहनी पड़ेगी कि भाई असम में ना तेज़ी से, बहुत तेज़ी से ना 4 लेन का काम चल रहा है, तेज़ी से काम चल रहा है भाई। हमारे वहाँ भी बन रहा है, इस साइड भी बन रहा है। वैसे ऑलरेडी एक NH 27 तो था ही, बट अभी बहुत सारे प्लेसेस, छोटे मोटे सारे प्लेसेस को जोड़ जाड़ के इस मोड़ को उस मोड़ से, उस मोड़ को फिर इस मोड़ से जोड़ा जा रहा है 4 लेन से। असम का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो भाई लेवल की चल रही है भाई, ऑसम लेवल की चल रही है। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, यहाँ से जाते आगे। मुझे जहाँ भी भाई स्ट्रीट में खाना बनता दिखे ना मैं वहीं जा कर के खाता हूँ, क्योंकि इनके यहाँ ना फ्रिजेस वगैरह नहीं होते। चलो तो भाई एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हमने कर लिया, ये रहा इनका शॉप। तो कभी इस रास्ते से आते तो इनके शॉप पे आना, ये पीठा बोलते हैं असमीस में, एक हमारा ट्रेडिशनल पकवान ही होता है, बिहू के टाइम ज़्यादातर बनवाते हैं। बहुत टाइप के पीठा होते हैं, तिल पीठा, नारिकोल पीठा, तिल मतलब तो समझिए तिल का पीठा बनता है, और नारियल का पीठा बनता है, और चावल से भी बनता है पीठा। अभी उसी चावल का ही पीठा हमने खाया, ये बहुत हेल्दी होता है, एक अच्छा डाइट माना जाता है इसको। मैंने फ्राई चना उसके साथ 2 पीठा 1 कप चाय वापस से फिर 1 कप चाय और 1 पीठा, मन कर गया खाने को, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। और इस बाइक में ना अभी एक खास प्रॉब्लम आ रही है, ये स्टार्ट नहीं हो रही है,
मतलब आपको कैसे समझाऊं, इसको धक्के लगा करके ना दूसरे गियर पर डाल करके रोड में ऐसे दौड़ा करके स्टार्ट करना पड़ता है। मैं कल से इस प्रॉब्लम को झेल रहा हूँ। वैसे ये प्रॉब्लम घर तक तो नहीं था, जब मैं डिपो से निकला ना उस दिन से भाई, मतलब कल से भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे मिला है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, दिमाग ख़राब सा ही हो चुका है ऑलमोस्ट। अब आगे किसनाई नाम का कोई प्लेस है, वहाँ जा कर के देखते हैं, बजाज का शोरूम रहेगा तो चेक कराते हैं, बैटरी का इशू है या फिर कोई दूसरा ही प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम रहेगा देखना तो पड़ेगा, अभी दूसरा उपाय है नहीं। एयर फिल्टर अवस्था से तो प्रॉब्लम मिला है बाइक में बैटरी का, बैटरी फ्री रिप्लेस हुआ, वारंटी में था, थैंक गॉड पैसे बच गए, एयर फिल्टर चेंज करवाए और साथ में दो तीन स्पेयर पार्ट मैंने खरीदे, जितना बैटरी का प्राइस था उतने में मैंने कुछ स्पेयर पार्ट्स खरीद लिए जो कि इजीली हमारे टाउन में अवेलेबल नहीं होते, और एयर फिल्टर का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, देखा ही था आपने वीडियो में, वैसा एयर फिल्टर लेकर के मैं चल रहा था, तभी थोड़ा बहुत मुझे पिकअप में ड्रॉप, माइलेज में भी ड्रॉप, ये सब देखने को मिल रहा था। बाकी मैकेनिक बता रहे थे कि हल्का फुल्का आपका सेल्फ का भी प्रॉब्लम है, वारंटी रहते रहते आप सेल्फ को भी चेंज करा दीजिए, तो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट मैं सीधा जहाँ से मैंने बाइक खरीदी थी डिब्रूगढ़, वहीं से मैं सीधा जा कर के चेंज भी करा लूँ। वो टॉप में कोई सी एक मंदिर है, ओ भाई, और पहाड़ में ना बड़े बड़े चट्टान है यार, बड़े बड़े जायंट जायंट, वैसा तो प्लेस हम पहुंच चुके, एग्जैक्ट नाम क्या है इस जगह का, ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में ही है खैर, बट कौन सा प्लेस है वो कंफर्म नहीं कर पा रहा। श्री श्री टुक्रेश्वरी देवालय, अच्छा तो ये टुक्रेश्वरी देवालय तो मंदिर एक है, कोई प्रसिद्ध मंदिर। चलो भैया यही रास्ता है, आगे मिलेगा बिलासीपारा, उसके बाद गोरीपुर, फिर हम गोरीपुर से राइड लेकर के निकल देंगे NH 27 में। बेतबारी प्राथमिक विद्यालय, तो ये है बेतबारी। ये सब जो प्लेसेस अभी मैं सुन पा रहा हूँ देख रहा हूँ ना, ये सब मैं वीडियो में देखता था सुनता था, हमारे लोअर आसाम से बहुत फेमस यूट्यूबर्स हैं तो उनके वीडियोस में हम सुनते थे बेतबारी, ग्वालपारा, ये सब जो प्लेसेस हैं ना, बोंगाईगांव वगैरह, धुबरी वगैरह, और आज सुनते सुनते भाई पहुँच भी गए। मतलब ऐसा है कि भाई सपने पाल के रखो बट उसको पूरे करने के लिए भी ना जान लगा दो यार, अगर आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डालोगे तो फिर सपने सपने ही रह जाएंगे, वो कभी पूरे नहीं होंगे भाई। पैसे जुटाओ, हिम्मत जुटाओ, चल दो अकेले ही भाई, कोई दोस्त हो ना हो, अकेले चलोगे ना तो बहुत कुछ देखोगे सीखोगे और बहुत सारे एक्सपीरियंस आप इकट्ठा कर पाओगे, तो ये बात हमेशा याद रखना। पहाड़ के बगल से, जंगलों के बीचों बीच से, प्यारे से रास्ते से होते हुए हम बढ़ रहे हैं धुबरी की तरफ, और ये जगह देखो भाई, वाह क्या सही प्लेस है भाई, क्या सही प्लेस है भाई, वाह भाई वाह, इनक्रेडिबल आसाम भाई, इनक्रेडिबल आसाम। आसाम में लोअर और सेंटर में भाई पहाड़े बहुत आपको दिखेंगे भाई, और साथ ही साथ बोरक वैली भी, ये सारे प्लेसेस भाई प्रॉपर पहाड़ी इलाके हैं। आप हाफलोंग तरफ जाओगे ना तो आपको लगेगा कि आप तो कोई पहाड़ी इलाके पे चल रहे हो, एक पल के लिए आपको फील नहीं होगा कि आप आसाम में हो। ओह हो, आगे एक पेड़ दिख रहा है, वहीं कहीं रुक करके आपको ये नज़ारा दिखाऊंगा। भाई सच में सुंदर है यार प्लेस, लिटरली यार बहुत ज़्यादा प्यारा है, और यहाँ एक प्यारा सा मंदिर भी है, यही रोक देते हैं बाइक को। भाई प्लेस देखो यार, कितना ज़्यादा सुंदर प्लेस है, वाह। तो इस प्लेस में रुका हूँ कुछ देर के लिए, थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया है, और अभी तक रास्ता बहुत सही मिला है, बहुत ही प्यारा रास्ता मिला है, और ये अपनी पल्सर N160 भाई, इसने परफॉर्मेंस वेल एंड गुड दी है, बट हालत थोड़ा सा ख़राब है, देखते हैं आज अगर जल्दी जल्दी पहुंच गया ना, दिन दिन में पहुंच गया तो
ये जो कचरा वचरा है सारा कुछ धुला दूंगा। ऐसे कचरे वचरे में बाइक चलाना सही नहीं लगता, तो ऐसा कुछ है अपना बाइक का हालत। और ऐसे प्लेस में भाई गन्ने का रस वस कोई ठेला लगा कर बैठता तो भाई पी भी लेते, बट क्या करें कोई है नहीं यहाँ पर। सो कुछ देर तक बैठते हैं और निकलते हैं यहाँ। तो निकलते हैं बोगरीवारी से, मस्त खाना वाना खा लिए, अब बढ़ते आगे गोरीपुर की तरफ। उसके बाद गोरीपुर से राइट लेकर के श्रीरामपुर निकलेंगे, श्रीरामपुर से देखते हैं कहां तक चला सकते हैं। और यहां से गोरीपुर ओनली 22 किलोमीटर दूर है, 22 किलोमीटर रास्ता ऐसा ही है। कितना छोटा रास्ता है यार यहाँ का, हिसाब से तो बड़ा रास्ता होना चाहिए। इतने बड़े बड़े गाड़ियाँ चलते हैं भाई, बसेस ट्रकें चलते हैं, और रास्ते का साइज देखो यार कितना छोटा है। इतने बड़े बड़े ट्रक भी चलते हैं, देख रहे हो ना, इतने बड़े बड़े ट्रक चलने के बावजूद भी रास्ता कितना छोटा है। नीचे से गाड़ियां, ऊपर से रेलवे मतलब ट्रेन, वाह सही तो है। और हाईवे फिर से हमें चौड़ा मिल गया, ऐसा चौड़ा हाईवे मिल जाए, फोर लेन ना ही हो तब भी हम ठीक ठाक स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। ओके, और धुबरी 27 गौरीपुर 19। अच्छा रूपसी एयरपोर्ट कुछ लिखा हुआ था, यहाँ पर कोई एयरपोर्ट भी है क्या? ओह भाई क्या पीसफुल रास्ता है यार, इस तरफ जंगल, इस तरफ खेत मैदान और तालाब, और रास्ता भी काफ़ी खाली हो चुका है अभी, मतलब दोपहर के मुकाबले अभी शाम होने जा रही है ना, 4:33, काफ़ी वक्त हो चुका है भाई। मैं बोगरीवारी होटल में काफ़ी टाइम तक रुका, थोड़ा गोप्रो का बैटरी वैटरी भी थोड़ा कम हो गया था तो मैंने चार्ज वार्ज कर ही लिया, अभी ठीक है, मतलब 45% होने के बाद ही मैं वहाँ से निकला, तभी थोड़ा वक्त लग गया, बाकी सब तो ठीक है। बट लोग बहुत अजीब टाइप के हैं यार, गाड़ी बाइक आ रहे होते हैं अचानक से ना रास्ता क्रॉस कर देते हैं, आप चाहे पास दबाओ या फिर हॉर्न दबाओ ना रास्ता क्रॉस कर देते हैं, पता नहीं अजीब टाइप के लोग हैं यार। रास्ता क्रॉस करो या फिर कुछ भी करो थोड़ा देख सुन करके करना होता है ना। वैसे बोगरीबारी के बाद ये जो रास्ता है, ये जो स्ट्रेच है, इसमें धूप इस तरफ चली गई है ना, तो जंगलों ने ढक के रखा है, अभी गर्मी भी बहुत कम लग रही है, अच्छा ही लग रहा है। मतलब भाई दूध नो से निकलने के बाद ही अगर ऐसा टेम्परेचर मिलता तो कितना सही होता है यार, बट क्या करें भाई कड़कती धूप में बाइक चलानी पड़ी है, तो इतना मेहनत जब कर रहे हैं तो भाई आप सब एटलीस्ट वीडियो देखने के बाद एक लाइक तो कर ही सकते हैं यार। पहले यहाँ पढ़ लेते हैं गौरीपुर 5 किलोमीटर, ओके बस अब 5 ही किलोमीटर रह गया, 17 किलोमीटर हमने बाइक चला ली है फ्रॉम बोगरीबारी। चलो 5 किलोमीटर बाद गौरीपुर आएगा, उसके बाद राइट लेनी पड़ेगी। वक्त 4:46, आज भी अंधेरा होगा। यात्रम YATRM यात्रम, अभी चलता हूँ। पता नहीं कौन सा प्लेस है बट खतरनाक भीड़ है भाई, और यहाँ तिराहा चौराहा, ओके यहाँ तिराहा है तो शायद मुझे यहाँ से निकलना होगा। श्रीरामपुर उलाबो ना, हे रास्ता टू श्रीरामपुर उलाबो ना, श्रीरामपुर एने का उलाए बोंगा गया जब पड़े ना, हे रास्ता तो कुछ जाए धुबरी, धुबरी टाउन, ये जगह तो की कहे गौरीपुर, थैंक यू सर। तो ये हाईवे बढ़ते हुए जा रहे हैं आगे भाई, 40-50 किलोमीटर भी अब बहुत दूर लगने लगे हैं यार, बोर सा हो गया हूँ यार, कितना चलाऊँ यार, कंटिन्यूस चलाते ही जा रहा हूँ, चलाते जा रहा हूँ, चलाते जा रहा हूँ, चलाते जा रहा हूँ, चला चला के पागल हो गया हूँ। मतलब पहाड़ों में क्या होता है कि पहाड़ों में ज़्यादा चलाना नहीं पड़ता, दिन में ना 100-150 या फिर 80-120 किलोमीटर का ही रास्ता रहता है, बट पूरा दिन भर लग जाता है, रेस्ट करते हुए आराम करते हुए ना पहुंच जाते हैं तो वो सही रहता है ज़्यादा। बट यहाँ प्लेन रास्ता है, 100-200 किलोमीटर तो कुछ लगता ही नहीं यार, एटलीस्ट 300-350 चलाने के बाद थोड़ा बॉडी थोड़ा टायर्डनेस वैसा टाइप का फील थोड़ा बहुत होता है। ओके तो 4 लेन तो हो गया रास्ता, बट ये कब तक है और कहाँ तक है ये आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं देखते हैं हम सही दिशा पे हैं या फिर
गलत दिशा पे। चलो यहाँ कहीं पे आगे रुकते हैं और चेक करते हैं भाई कि हम कहाँ पहुँच गए। नाम क्या है बताओ? क्या घोष? स्वस्तिक घोष। और तुम्हारा? पुष्कर पाल। ठीक है बैठो, ठीक है चलते हैं। हाँ भाई, वेस्ट बंगाल एंटर कर गए हम तो। तेरी तभी मैं बताऊं कि भाई मैं इतना आ गया। आखिर का वो फोर लेन वाला हाईवे मिल क्यों नहीं रहा? अभी आगे जाकर के बच्चे को पूछा था, उसने बताया कि नहीं भाई तुमने तो गलत मोड़ दिया रास्ता। चलो कोई बात नहीं, गलत रास्ते में भी एंजॉय करेंगे हम तो, क्या दिक्कत है ना। तो अभी मैप लगा दिए, आगे से कोई से एक रास्ता दिखा रहा है, लेट्स सी उस रास्ते से जाए या ना जाए। हाँ, जाने से पहले एक बार पूछ लेता हूँ भाई कि कौन सा क्या रास्ता है ना, फिर पता चले कि मैं किसी दूसरे गलत रास्ते पे चला गया। अच्छा, बीच में ना मुझे दो रास्ते मिले थे पीछे, दोनों ही रास्ते में वही नदी पार होने थे। इस मार्केट के बीच में भी एक रास्ता था जो लेफ्ट की तरफ जा रहा था, तो वहाँ मैंने एक ऑटो वाले को पूछा, वो बता रहे थे कि नदी क्रॉस करनी पड़ेगी भाई। मैंने पूछा ब्रिज से क्या? वो बता रहे नहीं भाई, नाव से। नाव से नदी क्रॉस करने में जितना वक्त लगेगा ना, उतने में मैं भाई वो आगे से मोड़ लेके आराम से पहुंच जाऊंगा भाई। तो अभी मैं चल रहा हूँ एकदम छोटे से रास्ते से, आगे हमें मिलेगा NH 127B, वहाँ से हमें फिर लेफ्ट लेन होगा। एक्चुअली मैंने गलती कर दी, एक तिराहा आया था वहाँ, क्या किया मैंने, मतलब राइट की तरफ मोड़ना था, मैं सीधा ही चला गया, मतलब लेफ्ट लेके सीधा ही चला गया। और सबसे बड़ी गलती मैंने कर दी कि मैंने मैप निकाल के नहीं देखा, यही सबसे बड़ी गलती कर दी। तभी अपना एक 50 से 55 किलोमीटर का स्ट्रेच ज़्यादा लग गया, मतलब एक डेढ़ घंटा अपना बेकार नुकसान गया, वरना अभी तक तो मैं पहुँच ही जाता। ओके, तो हाईवे आने वाला है, यहाँ दो रास्ते हैं, एक बगल से सीधा रास्ता गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, और एक ये रास्ता गया पता नहीं कहाँ गया होगा। तो अपन वही नेशनल हाईवे 127B में ही चल रहे हैं। आई होप कि अभी मैं सही रास्ता ही चल रहा हूँ, इस बार कोई दिक्कत ना हो जाए भाई, इस बार मैं कोई भी दिक्कत नहीं चाहता। अब आपसे सीधा श्रीरामपुर पहुँच के ही बात करेंगे। चलो यहाँ आस पास तो होटल मिलना मुश्किल ही है, श्रीरामपुर इधर बोंगाईगांव, दोनों में से एक प्लेस मिलते हैं वहीं पे। और भैया पहुंच गए गोसाई गांव, और जो हाल हुई ना गौरीपुर के बाद भाई, जो हाईवे मिला, जो रास्ता मिला, टोटली ख़राब। एक तो वैसे ही मैं बंगाल चला गया था 57 किलोमीटर आगे, फिर वापस से 57 किलोमीटर इस तरफ आना है, अगेन फिर 57 किलोमीटर इस वाले हाईवे के आगे वाले हाईवे को पकड़ कर श्रीरामपुर होकर के गोसाई गांव आना। टोटल भाई जहाँ मेरे को 57 चलाना था, मैंने 150 चला दिया, वैसे 100 चला दिया टेक्निकली, 50 तो मुझे वैसे भी चलाना ही था। तो आज ऐसा बैंड बजाए ना, मैं क्या कहूँ यार, बट जो भी हो बहुत फन था। बट एक बात बता दूँ यार, अगर आप गौरीपुर से गोसाई गांव आना चाहते हैं तो रास्ते की धजिया उड़ी हुई है, बर्बाद रास्ता है, ख़त्म रास्ता है, ये जैकेट से आप अंदाज़ा लगा लो, ख़त्म भाई ख़त्म, पूरा सफ़ेद ये धूल है, समझ रहे हो ना। जूता तो फिर भी ठीक ठाक ही दिख रहा है, बट जैकेट यार शिट। खैर जैसा भी हो, जो भी हो, आ तो गए, अब कल कहाँ जाएंगे, क्या जाएंगे, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। देखते हैं फोर लेन हाईवे को ही पकड़ के निकले, या फिर तामुलपुर होते हुए, ढेकियाजुली होते हुए तेजपुर को बाईपास करके आगे विश्वनाथ की तरफ निकल ले। कहाँ निकलेंगे, क्या निकलेंगे, वो तो खैर कल ही बात होगी, बट अभी के लिए बस इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ। मिलूंगा आपसे कल वाले ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने चारों ओर साफ सफाई रखिए और अपना ख्याल ज़रूर रखना। टिल देन बाय बाय। अनाद हो गया सीधा कंटेंट।